एक साल कितने सीजन होने इसने? एक सीजन ही होता जी, एक सीजन ही, एक ही साढ़े को एक ही सीजन, एक सीजन होता। अच्छा, ये जो एक सीजन होता है तुहाडा, ये चावलों का या मूंजी शूंजी जी सुलांदे हो, एक की हिसाब किताब होता है, कदों की तैयारी शुरू करते हो, फिर मुड़ के अगे कदों जाके अगे लाते हो पटके उत्थे? चंगे अपने वे देश होंदे, छज पर दे सानू चंगे अपने वे देश होंदे। ओ रब साईं लिख छोड़ी रोजी विच पर दे सांदे। नाज़रीन, जिस तरह की असं स्टार्टिंग में दसिया कि अज असं इतने मौजूद हो सा डेरे पर, तुसां की जरा कल्चर है, जी जिम्मेदारी है, उसने बारे तुसां की थोड़ा बहुत दसा तो सामने मौजूद हैं इस वक्त शेरयार गोंदल साहब, इन्होंने डेरे पर इस वक्त मौजूद हाँ। इंशाल्लाह ताला सो ड्रोन फुटेज भी थोड़ी चेक कराई है इन्होंने डेरे नहीं तो मजीद भी इंशाल्लाह ताला सो अगे भी चेक करा सा, और इसके अलावा जी फसल इसलिए काश्त कर रहे हैं उस पर भी इंशाल्लाह ताला गल बात कर सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब तो पहले मैं थोड़ा शुक्रिया कीमती वक्त दिता तो असं कि मधु किया। तुसा थोड़ा जहा दसो कि इस वक्त तुसा अपने इतने फार्म उपर कितना माल डंगर रखे वा? इस टाइम तो बिल्कुल 18-20 हैं जानवर, अदरवाइज मेरा जो प्रॉपर काम है ना उस 100 प्लस होता है, क्योंकि सेटअप असल सुना था क्या सेटअप माशाल्लाह जी सेटअप है जी। इस टाइम थोड़ा गैप आए, उसके बाद दो चार छः महीने बाद फिर ऐड हो जाए। ठीक है, तुसा ने जमीन सराउंडिंग भी अपनी है जी? अपने कितने जमीन है? 2 मरबे तकरीबन। 2 मरबे माशाल्लाह। तुसा सारी तकरीबन इस्तेमाल करने काश्तकारी वास्ते जी? सारी। अच्छा, कि फसल होती है जो सब इतना? फसल साढ़े को बांस है, चावल, गंदम, गन्ना। क्या समझने हो कि अजकल दौर में, क्योंकि नौजवान असल माइंड सैट बनाया सोचनी कि अजकल जमींदारी कल्चर है सा जिसमें काश्तकारी करने हो, जो फार्मिंग का कल्चर है खत्म हो चुका है, इसने जो कोई खास मुनाफा नहीं खत्म नहीं हो गया मेरे ख्याल में ना, दोबारा रीइंस्टॉल हो रहा है, जिद्दत ना दोबारा आ रहा है दोबारा। एक बार गैप आया एक जनरेशन का, जदीद पैमाने आते तो बहुत अच्छे लेवल बिजनेस लेवल से लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अर्सा जो गैप आया उसने लोगों का माइंड बन गया कि ये पैसे तो ज्यादा है, इसने जो इनकम नहीं होती है, मुश्किल काम में मेहनती का मेहनत ज़्यादा है, इस 24 आवर जॉब है। उन तो समझ लेना कि टेक्नोलॉजी ने थोड़ी आसानियाँ हो गई, बहुत आसानी हो गई टेक्नोलॉजी, उसके बाद थोड़ी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो गया जी। ठीक हो गया। ए तुसा जो इतने रहने हो तुसा जरा बेहतर बताओ, तुसा इतने जो महकमा ज़राअत किसी किस्म का कोई तामन करना है, तुसा सिर्फ अपने लेवल से जो इतने काम काज करने हो? सरकार जिस हद तक करता है सारे डिपार्टमेंट उतने इतने भी करता है, बाकी खुद इंडिविजुअल ही है अपने। तुसा क्या समझने हो एज अ फार्मर, तुसा कम करने हो इतने मौजूद हो, तुसा क्या अपना जाती ओपीनियन क्या देना चाहते हो कि क्या मतलब कम ठीक है या क्या सिस्टम है इस बारे? माशाल्लाह बहुत ठीक है जी, साड़ी सारे रोजी रोटी लगी है, काफ़ी लोगों की इन्वॉल्व ना सारे, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी आसानी ना गुजार रहे माशाल्लाह। इन्होंने को गल बात की है, बेसिकली जानना ये चाहने सा कि जड़ा ये सिस्टम है जड़ा ये कम काज करी रहे हैं, कि बंदा बाद दफा इस तरह होना कि जिस तरह के साढ़े सिस्टम बनता है कि जनाब असं सोचने कि यह मुश्किल कम है, जिस तरह के तुम आखिया, लेकिन मुश्किल तो है ही है ना, लेकिन आसानी किसी भी नहीं किसी का बिल्कुल, लेकिन टेक्नोलॉजी आने वालों अगले दो बहुत फर्क पै बहुत फर्क पै गया, आसानी हो बिल्कुल हूँ इंशाल्लाह ताला का जुलने हैं, तो जी फसल इतना काश्त कर रहे हैं उसने बारे में मजीद इंशाल्लाह ताला का जुलने दस रहे हैं।
नाजरीन तुसें कि दस्या इत्थै जेह्ड़े डेरे ने ओनर सुनने गलबात कराई है उन्हां कोलों पुछया ते मजीद सनल चाचार मौजूद है क्योंकि उन्हां भी असां कि यह गाइड किया कि चाचार की सारी देखभाल करने इत्थे जेहड़े मामलात होने ना वो इत्थे तकने ते साढ़े वास्ते एक नई चीज़ है क्योंकि चावल वगैरह जेहड़ा ना सिर्फ इस पास आना साढ़े आजाद कश्मीर की चीज़ नहीं होनी लिहाजा असं कोशिश कर सकें कि जेहड़े साढ़े भैणा भ्रा तकने उन्हां की थोड़ा जिहा इस बारे इनफॉर्मेशन मिली जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। ना क्या थोड़ा? मुश्ताक अहमद जी जी। अच्छा ये दसो कि इस वक्त तुसी जी मुंजी ला रहे हो ए की कुछ है इस बारे की फसल अच्छी आंदी है की हिसाब किताब होंदा इदा? ए फसल साडे वास्ते अच्छी है सारा जी, मौसम भी इसदा ही है जी। ठीक है ए ये अच्छी काश करने है जी। ए तुसी कितनी जमीन दे इस वक्त जेड़ा ना मुंजी लाई हुई इथे? असा मुंजी तकरीबन जी 25 किले दा इरादा जी हिसाब किताब होंगे कदों की तैयारी शुरू करते हो फिर मुड़ के अगे कदों जाके लाते हो पटके उत्थे? ये तकरीबन जी एक महीना तो हो गया इस नुकसान लाया जी। ठीक है ते इस तो बाद अगे चार एक महीने तक इसकी है मेहनत साड़ी जी। उस बाद तैयार हो जाए जी? तैयार हो जाए। अच्छा उन्हें दसो जो लोग देख रहे उन्होंने पता चले थोड़ा जा क्योंकि साढ़े इलाके में ये चीज़ नहीं होती साढ़े पास गंद मकई होती है बाजरा होता है लेकिन क्योंकि साढ़े पास पानी का इतना निजाम नहीं अच्छा जितना तुम्हारा नहरी निजाम है। ये दसो कि इस फसल तो दूजिया फसलों से तुम कि समझते हो कि इस फसल कोई मुनाफा अच्छा है जी? मौसम के लिहाज ना ही फसलों तो होनी ना जी जी तो इस वक्त साढ़े वास्ते ही अच्छी है जी। ठीक है जी जी। ये मुड़ के अगर जल्द चावल तैयार होता है तो तुम इस अगर तैयारी की नहीं करते हो मतलब चावल वगैरह अलग किस तरह करते हो तुसी? ये असी इतने आड़ती होंगे उन्होंने अगर बेच दें जी। इस तरीके अपना कटाई तो बाद या पहले? नहीं कटाई तो बाद जी बेच दें जी। हाँ की रेट होता है इधर की हिसाब किताब होता है कुछ थोड़ा जा एक्सप्लेन करो प्लीज। ये मौसम जैसे होता उस टाइम ही पता लगता ही कोई नहीं। पिछले साल पिछले साल मेरा ख्याल 1700-1800 आ जी। 1700-1800 कितने? एक मान दा जी। एक मान दा जी। ठीक हो गया तो ये जड़ा ना इसकी पानी शानी ना क्या सिस्टम होना क्योंकि पानी इस वैसे मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दरकार होना है पानी रोज़ाना पानी जी। कितने दिन देने रहने पानी रोज़ाना? ये तकरीबन असी 3-4 महीने तो देंगे रोज़ाना। रोज़ाना जी यानी कि बाकी फसलों को इसकी पानी ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा चाहिए जी। ठीक तो गर्मी जल्द बहुत ज़्यादा होनी है इस पर कोई असरअंदाज होना या फसल खराब होनी है या ठीक होनी है गर्मी जल्द बहुत ज़्यादा होनी है? अक्सर मौसम के लिहाज ना कोई बीमारी भी आ जाती है वो इस तरह से फिर स्प्रे तो दवाइया कोई फैड फ्लैट कीतियाँ तो अलग करता ठीक हो जाती। ठीक हो गया तो यह दसो तुम कि अपना गवर्नमेंट वगैरह कोई तावन करती है इतने या नहीं करती है कि सिस्टम होंगे या तुम सिर्फ जी स्प्रे वगैरह करते हो बीमारियों की निशानदाही होती है अपनी मदद आप तैयारी करते हो? अपनी आप ही करते हैं गवर्नमेंट नहीं कोई करती? गवर्नमेंट को नहीं करती। ठीक हो गया ठीक हो गया तो उस तो इलावा तुम इतने कि फसल जी काश करते हो क्योंकि माशाल्लाह डेरे तो मंझा छंझा भी हैं और मामलात भी हैं जरा उन्होंने पट्ठा जटा भी पाना होंगे। ज्वार हो गई जी, मकई हो गई, बाजरा हो गया, ये साढ़े को गर्मियों की तकरीबन फसल है जी। गर्मियाँ पानी का निज़ाम है नहरी निज़ाम ही है या ट्यूबवैल वगैरह? ट्यूबवैल है नहरी को नहीं नहरी नहीं है नहरी नहीं आ रही। ठीक हो गया टोटल कितनी जमीन दसी है तुसी सारी जिते काश करते हो? इतने काश तो अच्छी जी करते हैं तकरीबन 40 एकड़ जी। 40 एकड़ जी हाँ जी काश करते हैं ये 20 एकड़ 25 एकड़ ये खाली है चावल वास्ते दसी तो। अच्छा अच्छा 25 एकड़ तो चावल तो बाकी दुनिया फसल इरादा इतनी है जी अगो जितों तक पहुँच गए। ठीक हो गया जनाब बड़ी मेहरबानी चाचा बड़ा शुक्रिया। तुसा की कोशिश असा की है कि थोड़ा जा एक्सप्लेन करा थोड़ा जा समझा कि फसल किस तरह लगनी है मुड़ी तैयार किस तरह होनी है अगर क्या निज़ाम होना क्योंकि लोगों के इतना इसने बारे नहीं पता।